अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखना। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा 1 to 50 RP रिवॉर्ड के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको पता चल जाए। तो बात करते हैं हम अपने 1 to 50 RP रिवॉर्ड के बारे में, जो हमें फर्स्ट RP पे मिलेगा। जो हमारी फर्स्ट RP का रिवॉर्ड है वो आपके सामने है। ये हमारे पास आउटफिट है, और जो हमें लेवल 5 की RP पे मिलेगा, इसका हेड गेयर है। ये आपके सामने हेड गेयर है, इसका काफी ओपी किस्म का आउटफिट है, और हेड गेयर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका पता नहीं क्या शेव इन्होंने बनाई हुई है। ये तो बात हो गई हमारे आउटफिट और हेडगेयर की। इसके साथ हमें एक स्किन भी मिलती थी, इस बार इन्होंने स्किन मोशन नागिन की वाई हुई है, तो काफ़ी मुझे बहुत खुशी हुई इसकी स्किन देख के, क्योंकि इसकी स्किन हमारे पास है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास ये सभी हैं एजी करेंसी हैं, RP मिशन कार्ड है, और RP मिलेगी हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हमें प्रोटेक्शन कार्ड भी मिलेंगे। ये हेडगेयर है, फिर से हमें एजी करेंसी और BP मिलेंगे, फिर से सिल्वर मिलेंगे, और UC रिटर्न होंगे हमारे पास। जो हमें आमतौर पर हमें चीज़ें मिलती हैं सेम टू सेम, वही चीज़ें हमें फिर से दोबारा ही मिलेंगी। आपको तो पता ही है, RP मिशन कार्ड फिर से मिलेगा, एजी करेंसी, 1 डे रूम भी मिलेगा, और ये हमारे पास कुछ कॉपर मिलेंगे, फिर से हमें UC रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर ये इमोट मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। फ्री का इमोट है, उठा लो, फ़ायदे का है। और ये हमारे पास स्टन ग्रेनेड का स्किन आई हुई है, तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और नेक्स्ट हमारे पास फिर से एजी करेंसी, फिर से BP सिल्वर, UC रिटर्न होंगे हमारे पास, और फिर से कूपन मिलेंगे। ये कुछ स्टिकर सा हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें RP परचेज वाला मिलेगा, यहाँ पर सिल्वर मिलेंगे, और ये हमारे पास पैराशूट की स्किन आ रही है इस बार, तो काफ़ी अच्छी है, मुझे इतनी खास नहीं लगी। ज़्यादातर तो काफ़ी लोग पैराशूट की स्किन यूज़ नहीं करते। और ये हमारे पास ऑर्नामेंट आएगा, अच्छा है, जैसे एलियन शिप नहीं होती वैसे उस टाइप का है ये। नेक्स्ट हमारे पास BP कार्ड है, BP कार्ड के बाद ये कुछ रंग सा निकल रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और फिर से एजी करेंसी है, फिर से सिल्वर है, और यहाँ पर हमारे जो आउटफिट मिलेगा फ्री वाला आउटफिट, ये है हमारे पास जो हमें मिलता है। तो फिर से हमें UC रिटर्न मिलेंगे, फिर से हमें स्क्रैप मिलेंगे कूपन के, तो ये फिर से हमें मिलेंगे, एजी करेंसी दोबारा मिलेगी, फिर से BP मिलेंगे। ये यार पता नहीं क्या इतनी चीज़ें ये डाल देते हैं। और यहाँ पर हमें 7 डेज रूम मिलेगा, तो गाइस इसके बाद हमें थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिलेगी। और ये हमारे प्लेन की स्किन है, आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इमोट के बारे में। ये इमोट मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, आप कॉमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा इमोट है। तो गाइस काफ़ी इसके मिलियन के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं, ये सिर्फ ऐसे ही इमोट ही करता रहता है, इसके इतने इतने सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। जो हमें फ्री की स्किन मिलती है उसमें से Win94 की स्किन होगी, ये का इतनी यूज़ तो नहीं होती, सिर्फ मीरामार में ही यूज़ होती है, तो फ़ायदा नहीं है इसमें डालने का, और जिनके पास नहीं है उनके लिए ये फ़ायदे की ही है। गन की स्किन ना होने से बेहतर है कि हमारे पास कोई ना कोई गन की स्किन ज़रूर हो। तो फिर से ये हमें BP कुछ मिलेंगे, और यहाँ पर रूम कार्ड फिर से दोबारा हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें AUG की स्किन देखने को मिल रही है, ये हमारे RP में मिलेगी। तो गाइस फिर से हमें BP कार्ड मिलेगा, रूम कार्ड मिलेगा, और ये कुछ मिलेगा, AG करेंसी मिलेगी, स्टिकर मिलेगा, फिर से हमें BP कार्ड मिलेगा, और UC हमें रिटर्न मिलेंगे, स्क्रैप मिलेंगे, फिर से सिल्वर मिलेंगे, और फिर से AG करेंसी, रूम कार्ड मिलेगा, फिर से BP और UC रिटर्न मिलेंगे, एक रूम कार्ड फिर से मिलेगा हमें, और ये कुछ हमें पॉपुलरिटी मिलेगी, फिर से सिल्वर मिलेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने 50 RP आउटफिट के बारे में, जो कि बहुत ही OP किस्म का है, काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथिक है, क्या ही आउटफिट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, क्योंकि इसमें शाइनिंग देखें, और इसे हम HDR में करके देखेंगे तो क्या ही मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रिडीम सेक्शन के बारे में। रिडीम सेक्शन का तो काफ़ी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता, जब हमारी RP मुकम्मल हो जाती है तब हमारी जो RP पॉइंट इकट्ठे होते हैं वहाँ से हम क्रिएट ओपनिंग कराते हैं RP की, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये सीज़न 13 वापस ले आए हैं, और ये कुछ आउटफिट आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बारी बारी, आप ज़रूर बताना इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो रेड कमांडर सेट है, क्योंकि ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि यार ये मुझे मिले, ये एक बाइक स्किन है। और ये आउटफिट डालने का पता नहीं क्या मकसद है इनका, ऐसे ही बगैरतियाँ मारते रहते हैं। और ये तो हुई ना कुछ बात, ये कुछ आउटफिट ठीक ठाक है, यहाँ पर काफ़ी आउटफिट है, ये लेजेंडरी आउटफिट है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा है मुझे लगा है। और डासिया की स्किन तो क्या ही स्किन है, OP किस्म की स्किन है, और ये एक और आउटफिट है आपके सामने, और यहाँ पर M416 की भी एक स्किन है हमारे पास,
काफ़ी ओपी किस्म की स्किन है ये। तो ये हमारे पास एक और नया तो नहीं कह सकते आउटफिट जो अच्छा खासा है, ये हमारे पास हेलमेट की स्किन है और साथ ही हमारे पास वेक्टर की भी स्किन है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है। मुझे तो सबसे ज़्यादा 50 RPO जो हमारे आउटफिट मिलेगा वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि क्या ही आउटफिट उन्होंने इस बार ऐड किया हुआ है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको पता चल जाए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।